भावनाओं में मैं तो जानता हूँ, बहुत टाइम बाद तुम्हें मिला है। ओ भाई, कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा समुंदर। क्या लहरें हैं भाई, आज तो दोबारा जूते बनाने का मन कर रहा है। ये बहुत समझ आ रहा है, तो शूट ऑसम ही होगा। शूट नहीं, शूट नहीं, शूट, हां, SHOOT। खैर मैं इनको सिखा रहा हूँ जिसका इंग्लिश में वैसे हार्ड टाइट है। भाई का फिर से नीचे उतरी जाएगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है 25 तारीख 25 फरवरी 2020 और हमारी राइड का है 8वां दिन। जी हाँ दोस्तों, जो हम दिल्ली से कन्याकुमारी और वापसी दिल्ली जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हुआ था, जो हम आपने देखा था कल की वीडियो में, हम चले थे कोची से हमारा स्टॉप था गोवा के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि रास्ता जो था बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब था और हमें बहुत स्लो चलानी पड़ रही थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो हमें क्या करना पड़ा, ये कर्नाटक के, केरला और कर्नाटक के बॉर्डर के बीच में स्टे लेना पड़ा। तो वहाँ पे हमने स्टे लिया जैसे तैसे करके, वो हमारे रूट में नहीं था बट फिर भी हमें वहाँ स्टे लेना पड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गए। अब निकल गए हैं हम गोवा के लिए, यहाँ से जाएंगे सीधा गोवा। यहाँ से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास रह गया है अब। उससे पहले कई लोगों ने बोला एक बीच का नाम लिया जो गोवा से 100 किलोमीटर पहले, कौन सी बीच है सूरज भाई? गोकरना बीच है, वो गोवा से 100 किलोमीटर पहले। तो वहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे लगेज के साथ बाइक सेफली पार्क हो सकती है तो हम बीच में एंट्री करेंगे, अदरवाइज सीधा गोवा जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हो गया हूँ गेरअप और करते हैं पारो को स्टार्ट और लेट्स गो। बेटा पारो आराम से बेटा। भावनाओं में मैं तो जानता हूँ, बहुत टाइम बाद तुम्हें मिला है, खुला रास्ता, आराम से भागो मत, बहुत प्यार से। हाँ शाबाश भाई, आगे मजे आने वाले हैं। अरे मजे आए नहीं अब आएंगे भाई, आगे का व्यू देखो भाई। अरे आओ सूरज भाई, ये मेरी पारो फुलकुश। भाई गन्ने का जूस भी पियेंगे भाई, यहाँ तो वीडियो शूट करनी है मुझे, आप आ जाओ, मजा आ गया। तब वो देखो वहाँ पे, क्या लहरें हैं भाई, आज तो दोबारा जूते भिगाने का मन कर रहा है। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ, काफ़ी देर से हम लोग खड़े हैं, पूरे पानी समुंदर के मज़े ले रहे हैं। ये बेसिकली कोई उसमें नहीं है, ये कोई अभी गोवा नहीं पहुँचे हैं, अभी कोई बीच नहीं पहुँचे, रास्ते में बस हमें व्यू दिखाता है कि भाई मैंने मैप में देखा रास्ता जा रहा है समुंदर के बीच में, तो देखो कैसे आवाज़ आ रही होंगी आपको। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, कैसा लगा सूरज भाई? ये कौन से मजे थे? ये बहुत बड़े बड़े जगह पर हिल जाता है आदमी। ओ दोस्तों बहुत देर हो गई है, हमने लिए काफ़ी मज़े यहाँ पे सूरज भाई ने, मैंने फोटो वोटो खिंचाया, एक दो वीडियो शूट करी। मैं जा रहा हूँ जूस पीने, मैंने कहा सूरज भाई इतने आप आओ, मैं दूसरा ग्लास पेल लूँगा जब तक, ठीक है ना, तो मैं तो पेलता हूँ जूस यहाँ पे। ये निकलता हुआ ताज़ा गन्ने का जूस, थैंक यू, मज़ा आ गया।
तो कैसा रहा आपका शूट वहाँ पे? ऑसम। और जब बैकग्राउंड ऐसा हो तो शूट ऑसम ही होगा। शूट नहीं शूट, नहीं शूट, SHOOT। खैर मैं इनको सिखा रहा हूँ जिसका इंग्लिश में वैसे हार्ड टाइट है, माफ करना भूल चूक में इंग्लिश में तो उधर निकल जाता हूँ। कोई भी किसी को भी सिखा सकता है, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को इग्नोर नहीं करना। ज्ञान सुना इनका भाई का, ये था सूरज दादी का ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ले लिए हमने बहुत मज़े और ऑलरेडी हो गए हैं लेट। जैसा कि आप जानते हैं भाई, मैं डेस्टिनेशन जा रहा हूँ, मगर बीच बीच में जहाँ रुक सकते हैं ना भाई, वहाँ रुक के मज़े लेते हैं। ये पूरा काफ़ी लंबा बीच टाइप बना रखा है कि आओ फोटो वोटो खिंचाओ, मज़े लो, जाओ। समुंदर आसमान दोनों जाके मिल रहे हैं, अलग ही फील है भाई, अलग ही। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप देख के ही समझ जाएंगे। आपको स्क्रीन में देखने में इतना मज़ा आ रहा होगा, सोचिए मैं तो लाइव देख रहा हूँ यार, आपका भाई लाइव देख रहा है। चलिए अब चलते हैं गोकर्णा बीच पे, पहाड़ों के बीच में से रास्ता, मज़ा आ रहा है चला के यहाँ पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं गोकर्णा बीच। यहाँ इससे ज़्यादा बाइक अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ स्ट्रेयर्स हैं, बट कैन गो बाइक फ्रॉम देयर साइड ब्रो, बिकॉज सम स्लाइड रैम बना रखा है, बट यहाँ पे इतनी मट्टी होगी, डस्टिंग होगी तो आपकी बाइक स्लिप करेगी। मेरे बाइक में तो ABS है, नो नीड टू एनी टेक एनी चांस। स्लिप का टेंशन नहीं है, बाइक धीरे धीरे नीचे उतरी जाएगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कहीं जा रहे हैं बात करने कि हम बाइक अंदर ले जा सकते हैं या नहीं। सूरज भाई फतेह हासिल करके आओ, कोई अथॉरिटी वो कह रहे हैं यार दुकान के साइड लगा दो, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। नो यार फिर भी यार हमारे पास इसमें लैपटॉप वगैरह भी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। और तो यहाँ से गोवा सूरज भाई 126 किलोमीटर है, दो ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइव है, रास्ते से कुछ खाते हैं और निकलते हैं। गर्मी बहुत है अभी, और देखो शाम होती तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता, गर्मी बहुत है। और सेकंड चीज़ ना, आपके पास अभी वाले बूट्स हैं, चप्पल आपके अंदर हो, मेरे बूट से भिगाना नहीं चाहता मैं दोबारा। तो निकलते हैं, कोई नहीं दोस्तों को दिखा दे। दोस्तों यहाँ थोड़ा पार्किंग का इशू आ गया हमारे साथ कि लगेज बहुत है और यहाँ स्टे लेना नहीं है हमें, हमें लेना वहाँ पे गोवा में। तो वी डिसाइडेड लीव और गोवा, 2-3 घंटे की ड्राइव है। गोवा एंट्री करते ही भाई हवाएं बदल जाएंगी, रास्ते बदल जाएंगे, ड्राइविंग बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, भाषा बदल जाएगी, खाना बदल जाएगा। आ गई गोवा की, वेलकम टू गोवा का आप बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे। ये गोवा पुलिस, RTO का चेक पोस्ट, पोलम गोवा। तो जैसे मैंने कहा, देखिए रोड बदल जाएंगे, हवाएं बदल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, रोड भी सिंगल हो गया है और सिंगल के साथ फ्रेश रोड। तो खाना भी बदल जाएगा, तब देख सकते हैं यहाँ पे अब खाने को हमें क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादातर डोसा इडली दिखाई दे रहा था और यहाँ दिखाई देगा आपको कबाब, फिश, वेरी गुड। खाना भी बदल गया, ध्रुव ने होटल बुक कर दिया है वहाँ से बैठे बैठे, तो उसने कहा भाई वाली लोकेशन डालो जो मैंने भेजी है, यो गोवा अपार्टमेंट होटल ये है, रेटिंग भी अच्छी मिली हुई है तो सही करा होगा। 84 किलोमीटर, 2 घंटे की ड्राइव है, चले पारो करेगी कुछ, हाँ करेगी, चलो कातिया। ये 250 किलो की बाइक जब रोड पे चलती है ना तो रोड चलता नहीं, चल पड़ता है। तो दोस्तों मैंने GoPro अपना यहाँ लगा लिया एक और, और आप तो देख ही रहे हैं भाई क्या रोड है दोस्तों, क्या रोड है। वो कहता ना वेलकम टू गोवा सिंघम, वेलकम टू गोवा अतम आली राली अतम आजी बारी आली।
तो दोस्तों हम आ गए हैं यो यो गोवा। तो ये ओयो का है, यो यो गोवा आ गए हैं और चेक इन कर लिया है। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थकान इतनी हो रही थी, तो मैंने कहा भाई पहले हम लोग चेक इन वगैरह करते हैं, सामान रख देते हैं वहाँ खड़ी है पारो ये सूरज भाई, तो मैंने कहा आराम से वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। और अब जा रहे हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं बीच के सैर करने। तो फाइनली दोस्तों मुझे ने ये वाले शूज़ खरीदे हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे वरना कॉपीराइट आ जाएगा, मैं आवाज़ बंद कर रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली आज हम खाएंगे प्लेन मैगी। तो यहाँ पे मैगी स्टोर है, हम बनवाते हैं प्लेन मैगी क्योंकि एक बार मसाला मैगी खाई थी, वो थी बहुत अच्छी, कुछ ज़्यादा अच्छी थी, खाई भी नहीं गई थी ज़्यादा ही अच्छी थी। तो प्लेन मैगी बनवाते हैं यहाँ से और खाते हैं। फाइनली मैगी आ गई है ये रही, तो पहले मैं मैगी खा लेता हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है, सही बताऊँ थोड़ी सी खा भी चुका हूँ। तो इसको फिनिश करके फिर चलते हैं रूम पर, सोते हैं और वीडियो करते हैं एंड। तो दोस्तों अब करते हैं इस रात को अलविदा, कि फिर आ गए अगले दिन की वीडियो यहाँ पे। तुम पहले आ जाना, बात मत करने देना मुझे। चलो आ गई, तो यहाँ क्लिक करो, दबाओ, देख रहे हैं भाई, दबा दिया अगले दिन की वीडियो। गुड नाइट।